आज मैं और प्राची माय ग्रैंड डॉटर फिर से वॉक पे गए। प्राची आ जाओ। कमिंग नानू। बड़ा अच्छा लगता है इसे नानू के साथ गप्पे मारना। कहती है कहानी सुनाओ, मेरे पास भी टाइम ही टाइम है और कहानियां ही कहानियां। आज की कहानी की जरूरत आज प्राची को शायद सबसे ज्यादा है। शायद ये कहानी उसके मन में छाप छोड़ जाए, शायद कुछ बदल जाए उसके अंदर। पहाड़ों में उठे एक सैलाब की कहानी। जंगल का ये बड़ा सा बरगद सालों से यहीं रहता है। सर्दी गर्मी बर्फ सभी कुछ अपने सर पर सहता है। इसको सब मालूम है क्या क्या गुजरा इतने सालों में। सब है सुनता, सब है देखता, कभी कभी कुछ कहता है। सर्दी गर्मी बर्फ सभी कुछ अपने सर पर सहता है। ये जो गांव की औरत है ना, इससे ही ये गांव बना। सुबह दोपहर शाम रात हो, इसको है आराम मना। ये है गांव किया, गांव है इसका, ये तो राम ही जाने है। इसके बिना है गांव अधूरा, ये अब गांव भी माने है। कहती है इसको है पाला, मैं इसकी ये मेरा है। नाम एक है एक पैदाइश, एक नस्ल है एक बसेरा है। कहती है इसको है पाला, मैं इसकी ये मेरा है। मेरे घर पे आंख तुम्हारी पहले जवाब मैं मांगूंगी। सामने बैठो कुछ तो बोलो, तुमसे हिसाब मैं मांगूंगी। मेरे होते हुए जो तुमने सोचा हाथ बढ़ाने को, याद रहे ये घर है मेरा, कह दो आज जमाने को। याद रहे ये घर है मेरा, कह दो आज जमाने। याद रहे ये घर है मेरा, कह दो आज जमाने को। हेलो प्राची, वो जो हमारे घर के पीछे वाले जंगल है ना, वो सब काट रहे हैं। क्या बोल रही है यार सुबह सुबह? प्राची वो जहाँ हम वॉक पे जाते हैं यार, घर के पीछे वाले जंगल, वो सब काट रहे हैं। क्या? गौरा देवी की कहानी।